बकरीद पर बिकने आया बकरा तो मालिक के गले लगकर खूब रोया। तो आपने भी यह वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, कोई नहीं रोक पाया आंसू। तो बेजुबान जानवर भी अपने मालिक से खूब मोहब्बत करते हैं, मालिक से जुदाई का वक्त आता है तो इनका भी दिल टूटता है, ये रोने लगते हैं। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बकरा अपने मालिक के गले लगकर इंसानों की तरह फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है। तो मालिक के कंधे पर सिर पर जो है रख कर रोने लगा बकरा। तो रोते हुए इस बकरे का यह वीडियो रविवार को मनाई गई जो है ईद उल अजहा यानी कि बकरीद 2022 से जोड़कर वायरल किया जा रहा है। तो सोशल मीडिया पर जो है दावा किया जा रहा है कि बकरीद पर बकरा जो है बिकने आया था, मालिक ने उसका जो है सौदा किया तो बकरा मालिक के कंधे पर जो है सिर रख कर रोने लगा। और दोस्तों वहाँ जितने भी खड़े लोग थे वो भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। तो बकरे के रोने की आवाज़ वहाँ मौजूद हर जो है किसी शख्स को सुनाई दी, जिससे कोई भी आंसू नहीं रोक पाया। मालिक ने भी जो है बकरे को गले से लगा लिया। वीडियो कहाँ जो है कहाँ और कब का है वीडियो कहाँ का है और कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि यह वीडियो किसी बकरा मंडी का लग रहा है। तो बकरीद पर जो है बकरे की कुर्बानी क्यों देते हैं? तो बकरीद पर जो है कुर्बानी देने के पीछे इस्लाम धर्म में मान्यता यह है कि पैगंबर जो है हजरत इब्राहिम 80 साल की उम्र में बेटे इस्माइल के जो है पिता बने थे। वे अपने बेटे इस्माइल को बहुत प्यार करते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम को ख्वाब आया कि जो है अपनी सबसे प्यारी चीज़ को कुर्बान कीजिए। तो इस्लामिक जानकार बताते हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था और हजरत इब्राहिम ने अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने का फैसला लिया। तो कुर्बानी के बाद सही सलामत रहा बेटा और हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय उनकी भावनाएँ आड़े आ सकती है, इसलिए उन्होंने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी। तो जब कुर्बानी देने के बाद आंखों से पट्टी हटाई तो उन्होंने अपने बेटे को सामने जिंदा खड़ा हुआ देखा और जो है वेदी पर कटा हुआ मेमना पड़ा हुआ था। तभी से इस मौके पर बकरे और मेमनों की बलि देने की प्रथा चली आ रही है। फिलहाल दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।